अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग को पता है जी, चैप्टर नंबर हम 13 पढ़ रहे हैं, उसका नाम है फंक्शंस इन सी, कि हम किस तरह फंक्शंस बना सकते हैं। तो इससे पहले हमने थोड़ा सा ओवरव्यू देखा था इस चैप्टर का, तो अब हम इसको डिटेल में देखने लगे हैं कि फंक्शंस के फ़ायदे क्या हैं, हम फंक्शन को क्यों यूज़ करें। हालांकि देखने में ऐसे लगता है जैसे हमारा प्रोग्राम जो है ना वो थोड़ा सा लेंथी हो गया, लेकिन इसके फ़ायदे हैं। तो पहले थोड़ा सा मैं दोबारा आपको थोड़ा सा बता दूं कि बेसिकली हम फंक्शंस क्यों बनाते हैं। तो हमारी सी लैंग्वेज के अंदर दो टेक्निक्स हैं प्रोग्राम लिखने की। एक को हम बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड, ठीक है, कि स्ट्रक्चर्ड। एक होती है हमारे पास टेक्निक प्रोग्रामिंग की अनस्ट्रक्चर्ड। मीन्स अगर तो हम पूरा का पूरा प्रोग्राम एक ही फंक्शन के अंदर लिख दें, जो कि हमारा फंक्शन होता है void, ठीक है, main, ये हमारे पास फंक्शन है void main, इसके अंदर ही हम सारा का सारा प्रोग्राम लिख दें, जितना भी हमारा कोड है, हज़ार लाइनों का, लाख लाइनों का, जितना भी कोड है सारे का सारा इसी में लिख दें, ऐसी टेक्निक को हम बोलेंगे अनस्ट्रक्चर्ड। जो होगा बहुत ज़्यादा मीन्स पता ही नहीं चल रहा होगा कौन सा मॉड्यूल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पर एंड हो रहा है, कौन सी फंक्शनैलिटी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो एक किस्म की खिचड़ी सी पक जाएगी, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा कल को आपके लिए, अपने लिए मुश्किल हो जाएगा। आप जब कोड दोबारा देखेंगे आपको समझ ही नहीं आएगी ये मैंने क्या किया है, किस तरह कौन सा कोड कहाँ पे किया हुआ है। लेकिन उसके अगर अपोजिट साइड पर देखें, स्ट्रक्चर्ड मीन्स हर चीज़ आपने सेपरेट सेपरेट की होगी, स्ट्रक्चर में की होगी। जैसे आपने एग्जाम्पल, जैसे आपके व्हाट्सएप की एग्जाम्पल है, वीडियो कॉल का आपने अलग से एक फंक्शन बनाया होगा, ऑडियो कॉल का अलग से फंक्शन बनाया होगा, सर्च का अलग से फंक्शन, सेटिंग का अलग से फंक्शन, मीन हर चीज़ को आपने सेपरेट स्ट्रक्चर फॉर्म में रखा होगा। तो कल को आप खुद से देखेंगे तो आपको समझ आ रही होगी, अच्छा ये कोड मैंने किया, ये यहाँ पे इस चीज़ का काम ये है, इस चीज़ का काम ये है, तो ये थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। ठीक है, आप क्या करोगे, मेन फंक्शन के अंदर सिर्फ कॉल करोगे, कॉल मीन्स आप उसे बताओगे अच्छा मैंने अब यूज़ करना है, तो आप इसे क्या करोगे, कॉल करोगे। ठीक है, तो इसकी अगर मैं डायग्राम थोड़ी सी बनाऊं, तो हम इस तरह इसको काम कर रहे हैं, जैसे ये हमारी बुक पे भी डायग्राम बनी हुई है, उसी को मैं यहाँ पे बना देता हूँ। जैसे अगर आप बात करें अनस्ट्रक्चर्ड की, तो इस तरह की कुछ डायग्राम है, जैसे ये आपका मेन फंक्शन है, ठीक है, हमने सारी कोडिंग इसके अंदर ही कर दी। लेकिन अगर आप बात करें जो स्ट्रक्चर की है, वो ऐसे है कि मेन फंक्शन तो होगा, लेकिन इस तरह आपके पास सेपरेट से फंक्शन भी बने होंगे, जैसे एक फंक्शन F1 है, इसी तरह एक फंक्शन F2 है, दो फंक्शन है। ठीक है, तो जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे फंक्शन कॉल करेंगे। ठीक है, फंक्शन कॉल, जैसे आपको F1 यूज़ करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से कॉल करेंगे, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह दोबारा आपको ज़रूरत है दोबारा से कॉल कर लेंगे, तो मींस इधर भी रीयूजबिलिटी का भी एक कॉन्सेप्ट आ जाता है। वो अभी हम देखते हैं क्या होता है रीयूजबिलिटी, अभी इतना ही है कि आप फंक्शंस बना लेंगे, लेकिन जैसे जैसे आपको ज़रूरत पड़ती रहेगी आप उसे कॉल करते रहेंगे, यूज़ करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं मेन जो हमारा टॉपिक था, कि इसके हमारे पास फ़ायदे क्या होते हैं। ठीक है, तो हम बेसिकली फंक्शंस क्यों बनाते हैं, कोई ना कोई तो उसका फ़ायदा होगा ना, तो इसलिए हम बना रहे हैं। तो जो इसका पहला है जी, पहला पॉइंट है इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, पहला पॉइंट है जी इजी टू अंडरस्टैंड, कि इसका फ़ायदा ये हो रहा है कि क्योंकि हम सारा काम एक ही जगह पे नहीं कर रहे, सेपरेट सेपरेट जगह पे कर रहे हैं, तो इसलिए क्या होगा, हमारे लिए इसको समझना इजी होगा। कल को यही कोड किसी और बंदे के पास जाता है, उसके लिए भी समझना इजी होगा, क्योंकि उसको पता चल रहा होगा अच्छा ये वाला फंक्शन है इसका काम ये है, अच्छा ये फंक्शन है इसका काम ये है, ये फंक्शन है इसका काम ये है। अगर तो मैंने इकट्ठा किया होता तो उसको समझ ही नहीं आती, तो इसलिए ये फ़ायदा हो गया फंक्शन का कि उसको पता चल जाएगा, कल को इजी वो डीबग भी कर सकता है। अब डीबग क्या होता है, सपोज हमारे एरर आ गया, जैसे वीडियो कॉल है, वीडियो कॉल सही तरह नहीं हो रही, अब मुझे पूरा प्रोग्राम नहीं देखना पड़ेगा, पूरा सॉफ्टवेयर नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ वीडियो कॉल में मसला आ रहा है, तो मैं सिर्फ कौन सा फंक्शन देखूँगा, वीडियो कॉल का। इसी तरह सर्चिंग में मसला आ रहा है, मीन मैं सर्च करता हूँ, सर्च कुछ और हो रहा है, इस तरह का कोई काम हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं पूरे का पूरा प्रोग्राम नहीं देखूँगा, पूरे का पूरा सॉफ्टवेयर नहीं देखूँगा, मैं सिर्फ जाऊँगा सर्चिंग वाले पार्ट में या सर्चिंग वाले फंक्शन में, वहाँ से जाके सर्च का जो भी मसला होगा उसको ठीक कर सकता हूँ। तो इसका एक तो फ़ायदा हो गया कि ईजी टू अंडरस्टैंड है, तो मुझे अंडरस्टैंड करना ईजी हो गया, क्योंकि अगर प्रोग्राम मुझे समझ ही नहीं आया तो मैं इसको डीबग कैसे कर सकता हूँ। मीन्स एक बंदा है जिसने ना कोई कमेंट यूज़ किया हुआ है,
ना कोई वेरिएबल के नेम्स यूज़ किए हैं सही तरह, बस वो कोड करता गया कोड करता गया। वो कल को ऐसा होगा कि उसको खुद नहीं समझ आई होगी कि उसने क्या किया है। कल को आप कहेंगे कि इसको डीबग करके दिखाओ, मीन्स कोई एरर आ रहा है आप खुद निकाल के दिखाओ, तो उस बंदे को खुद भी समझ नहीं आएगी कि मैंने कहाँ से एरर निकालना है, क्या हो रहा है सारा कुछ। तो अगर उसको समझ नहीं आ रही होगी कि तो नया बंदा कैसे एरर निकाल सकता है, ठीक है। तो इसका ये फ़ायदा हमें मिल गया कि हमने इसको अंडरस्टैंडेबल ईजी हो गया, इसको डीबग करना ईजी हो गया, ठीक है, ये इसका फ़ायदा जी। उसके बाद है आपको अगर एक ही लाइन लिखनी है, सपोज आपने वीडियो कॉल है, जैसे वीडियो कॉल है उसका कोड है 50 लाइनों का, सपोज करें वीडियो कॉल का कोड इतना होता तो नहीं है, ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, 50 लाइनों का आपने वीडियो कॉल का मॉड्यूल यूज़ करना है, आपने 50 लाइनें लिख दी। अगर दोबारा यूज़ करना है दोबारा से आपको 50 लाइनें लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। अगर दोबारा यूज़ करना है अगेन आपको 50 लाइनें लिखनी पड़ेंगी, अगर फिर यूज़ करना है फिर 50। तो आपने जैसे देखा था जैसे एक ही स्टेटमेंट आपने बार बार यूज़ करनी होती है, तो इसका हमें जो था वो लूप के थ्रू हमने ये चीज़ कवर कर ली थी कि हम बार बार स्टेटमेंट्स को ना लिखें, एक ही दफ़ा लिखें और इसको बार बार यूज़ कर सकते हैं लूप के थ्रू। इसी तरह ये स्टेटमेंट्स हैं, ये एक पूरा मॉड्यूल है, इसको हमने बार बार रिपीट करना है। तो ये वाला काम हम कर सकते हैं फंक्शन के थ्रू। हम क्या करेंगे, हम एक फंक्शन बना लेंगे, सपोज़ ये 50 लाइन जो है वो हमने एक दफ़ा लिख ली, अब जब यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी हम 50 दोबारा से नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे कॉल करेंगे, एक दफ़ा उसका नाम लिखेंगे, ये 50 लाइन चल जाएंगे। इसी तरह दोबारा हम नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे भी कॉल करेंगे, ठीक है, दोबारा 50 लाइन नहीं लिखेंगे कॉल करेंगे, अगेन 50 नहीं लिखेंगे कॉल करेंगे। तो देखें यहाँ पे 50 ख़त्म, 50 50 50 टोटल हमारी 200 लाइन्स थी जिसको हमने इसमें चेंज किया, 1 2 3 4 टोटल 4 नंबर ऑफ लाइन्स रह गई हैं अब, जो कि हमने 200 में से रिड्यूस कर दी हैं। अब हमने 50 लाइन एक दफ़ा लिख ली, अब आप जितनी बार मर्जी उसको कॉल करें, और कॉल सिर्फ एक लाइन का कॉल होता है, तो ये सारा काम जो है ईजी हो गया, आपका कोड भी कम हो गया, ईजी करना भी अंडरस्टैंड करना भी ईजी हो गया, और इसको डीबग करना भी ईजी हो गया, ठीक है। इसके बाद है रीयूजबिलिटी। रीयूजबिलिटी होती है यही चीज़ कि आप इसको बार बार यूज़ कर सकते हो, बार बार यूज़ कर सकते हो, मीन्स आपने कॉल किया यूज़ किया, कॉल किया यूज़ किया, ये अगेन उसको कॉल किया यूज़ किया, कॉल किया यूज़ किया, एक ही चीज़ को बार बार यूज़ कर सकते हो, इस चीज़ को हम बोलते हैं रीयूजबिलिटी। एक और इसमें फ़ायदा, जैसे सपोज इसकी 50 लाइन से आपने इसमें चेंजेस किया, ठीक है, आपने इसको 60 लाइन्स में चेंज कर दिया, आपने कुछ ऐड किया, ठीक है, अब इसकी हो गई 60। जब भी इसको कॉल करेंगे, आपने यहाँ पे कॉल किया, यहाँ पे ऑटोमेटिकली 60 होगी, यहाँ पे कॉल किया ऑटोमेटिकली 60 होगी, यहाँ पे कॉल किया ऑटोमेटिकली 60, यहाँ पे कॉल किया ऑटोमेटिकली 60। आपको सिर्फ एक जगह पे चेंज करना, बाकी ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। लेकिन अगर ऐसे करना पड़ता, जैसे आपने यहाँ पे 50 लिखी थी जैसे पहले केस में, ठीक है, अगर अनस्ट्रक्चर्ड की बात करें, यहाँ पे 50 लिखा हुआ था, यहाँ पे 50, यहाँ पे 50, तो क्योंकि आपने चेंज कर दी थी, फिर आपको यहाँ से भी 60 करनी पड़ेंगी, खुद से यहाँ पे भी 60 करनी पड़ेंगी, यहाँ पे भी 60 और यहाँ पे भी 60। अभी तो मैंने सिर्फ 4 जगह पे यूज़ किया है, अगर यही मैंने 10 जगह पे यूज़ किया होता वहाँ पे हर जगह जाके मुझे 10-10 ऐड करनी पड़ती, तो ये देखें मुझे ज़्यादा काम करना पड़े, यहाँ पे मुझे बहुत थोड़ा काम करना पड़ा है, जो मेन मॉड्यूल है उसमें चेंज कर रहा हूँ, बाकी में मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ये इसके फ़ायदे हैं। अब आप चाहते हैं कि आपका फंक्शन जो है वो कोई भी यूज़ कर सके, किसी भी प्रोग्राम में कोई भी बंदा यूज़ कर सके, जैसे हम प्रिंट एफ यूज़ करते हैं, किसी एक बंदे ने बना के दे दिया हम उसे यूज़ करते हैं, स्कैन एफ एक बंदे ने हमें बना के दिया हम उसे यूज़ करते हैं, लेकिन स्कैन एफ या प्रिंट एफ ऐसे फंक्शन जब हम यूज़ करते हैं उसकी एक लाइब्रेरी फाइल होती है, जैसे हैश इंक्लूड stdio.h या con.io.h, ये हम यूज़ करते हैं। इसी तरह अगर आपने कोई फंक्शन बनाया, आप चाहते हो आप कहीं पे भी उसे यूज़ कर लो, तो आप उसकी लाइब्रेरी फाइल खुद से भी बना सकते हैं, ठीक है, वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, सो वो आपको हम नहीं सिखाएंगे, लेकिन आप वो चीज़ देख सकते हैं सीख सकते हैं, ठीक है, कि जब भी आप एक फंक्शन बनाएं आप उसको जहां मर्जी यूज़ कर सकें, ठीक हो गया, लेकिन वो कैसे करेंगे, लाइब्रेरी, उसकी लाइब्रेरी फाइल बना लेंगे आप। और है जी ये सबसे बड़ा फ़ायदा इसके आने वाला है कि जो हमने उधर डिसएडवांटेज देखा था कि अगर एक हम बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं और हमारी टीम है कुछ 10-15 बंदों की, तो क्या हो रहा था पहले, क्या हो रहा था कि क्योंकि एक बंदा एक बंदा काम कर रहा था, बाकी जो 14% थे वो क्या कर रहे थे, रेस्ट। तो फिर क्या हुआ, 14 बंदे जो हैं जी वो रेस्ट कर रहे हैं, एक बंदा काम कर रहा है, तो फिर हम 14 बंदे क्यों रखें, हम एक बंदे रख लेते। लेकिन इससे क्या हो रहा है, जब ये वाला बंदा थक जाता है
फिर इसमें से कोई और आता है वो, तो अगेन 14 जो है वो रेस्ट करते हैं. तो ये तो बहुत नुकसान वाला काम है, मीन इससे टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा और आपके पैसे भी ज़्यादा ज़ाया होंगे. लेकिन हम ऐसे करें, हम एक प्रोजेक्ट है जैसे इतना बड़ा प्रोजेक्ट था उसको हम करेंगे अब डिवाइड. ठीक है, हम इतना बड़ा प्रोजेक्ट है इसको हम डिवाइड कर देते हैं. ये एक अलहदा फंक्शन बुला लिया, ये अलहदा, ये अलहदा, मीन्स जितने उसके फंक्शन बन सकते हैं उसके फंक्शन हमने बना लिए. ये हमने किसी एक बंदे को काम दे दिया, ये किसी और बंदे को, ये किसी और बंदे को, इसी तरह ये सारे सारे डिवाइड कर दिए. अब क्या हो रहा है, अब एक बंदा सिर्फ काम नहीं कर रहा, ये अलहदा बंदा काम कर रहा होगा, ये अलहदा बंदा, ये सेपरेट, ये सेपरेट, इसी तरह ये सेपरेट काम कर रहे हैं. तब जब सारे बंदे हैं वो भी काम पे लगे हैं और आपका काम भी ज़्यादा स्पीड से होगा. ये इधर फ़ायदा मिल गया कि आपका काम भी ज़्यादा हो रहा है और आपका काम भी स्पीड से हो रहा है. इस चीज़ को हम बोलते हैं पैरेलल प्रोग्रामिंग. पैरेलल मीन्स पैरेलल लोग काम करें. देखें ये भी काम कर रहा है उसी वक्त में, ये भी काम कर रहा है उसी वक्त में, ये अब डिफरेंट बंदे सेम टाइम पे काम कर रहे हैं. इस चीज़ को हम बोलते हैं पैरेलल प्रोग्रामिंग. ये कब पॉसिबल है, जब हम फंक्शंस से काम करेंगे, मीन स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग यूज़ करेंगे तभी ये काम हो सकता है. उसके बाद है फंक्शन, जहाँ पे हम मर्ज़ी यूज़ कर सकते हैं, जितनी बार मर्ज़ी यूज़ कर सकते हैं. आपने फंक्शन बना लिया, कॉल जितनी बार मर्ज़ी कर लें, ठीक है, कोई मसला नहीं है. उसके बाद है ये है एरर. जैसे एरर हमारा आ रहा है, इस पार्ट में एरर आ रहा है, तो आपको बाकी पूरा प्रोग्राम देखने की ज़रूरत नहीं है. आपने जब डीबग करना है तो सिर्फ इसी पार्ट को डीबग करना है और इस पार्ट को डीबग करने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन अगर आपने सारा कोड इकट्ठा किया हुआ है ऐसे, तो अगर एरर आ गया है तो आपको सारा कोड देखना पड़ेगा, स्टार्ट से लेके एंड तक सारा कोड देखना पड़ेगा. लेकिन इधर फ़ायदा है, हम सिर्फ इसी पार्ट में देखेंगे, बाकी पार्ट को नहीं देखेंगे. ठीक है जी, तो ये थे इसके कुछ इंपॉर्टेंस थे या एडवांटेजेस थे. और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये शॉर्ट में आते हैं क्योंकि इस चैप्टर में से लॉन्ग तो आता नहीं है, तो शॉर्ट में ये अक्सर दो नंबर के लिए आता है कि कोई से तीन या चार पॉइंट्स आप बताएं कि हमें क्या फंक्शन के फ़ायदे हैं. तो ये इसमें से आप कोई भी याद कर सकते हैं और बहुत ईजी है. और लेकिन इसमें कोई मसला होता है तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि कौन सा पॉइंट ऐसा है जो आपको समझ नहीं आ रहा.